स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल कार वैल्यू सर्विसेज में। दोस्तों मैं नितिन लेके आता हूँ आपके लिए यूनिक कंटेंट। दोस्तों जैसा कि आपने सवाल पूछा था कि सीएनजी के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, तो मैं सोच रहा था कि किसी स्पेशलिस्ट से ही बात कराई जाए, ठीक है। तो अभी आज हम लोग आए हैं अमन के साथ, और अमन जो है ये मेरे बहुत पुराने जानकार है। अमन स्वागत है आपका चैनल पे भाई। तो आप थोड़ा सा बता दीजिए आपके बारे में कि क्या अपना आप सीएनजी से कब से जुड़े हुए हैं, क्या थोड़ा व्यूअर्स को बताइए। सीएनजी से हमें हो गए कम से कम 16 से 17 साल हो गए जुड़े हुए, और सीएनजी इंटरनेशनल हमारी शॉप का नाम है। जैसे प्रैक्टिकली आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आती गाड़ी में, कोई बारीक से बारीक भी, वो भी इजीली हम आसानी से बता सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत। जैसा मैं बता रहा हूँ कि होता क्या है, अब ये एक लाइन का काम है। मोस्टली क्या होता है, बहुत से लोग जो है जैसे डीजल की गाड़ी रिपेयर करते हैं वो डीजल में ही है, उसी तरीके से अमन भाई वो स्पेशलिस्ट हैं। आप अगर नजर घुमा के देखेंगे तो यहाँ दुनिया भर के आपको अलग अलग तरह की सीएनजी किट्स दिखाई दे जाएंगी। तो हर तरह की कंपनी की, मोटोजन दिख रहा है मुझे, ये लोमानी दिख रहा है, और ब्लू गैस दिख रहा है, मीजो है, यानी सब तरह की है। एक तरह से हमारे सारे सवाल के जवाब दे पाएंगे। अमन भाई हम आपसे सवाल पूछते हैं, ग्रैंड इरा 2012 मॉडल में कौन सी किट लगानी चाहिए और माइलेज क्या एक्सपेक्ट करेंगे? i10 इरा है 2012 मॉडल, i10 एरा है 2012 मॉडल है, जिसमें सबसे बेस्ट किट को देखिए, साड़ी अपने आप में ही सब एक दूसरे से बेस्ट है। अगर आप फुली इम्पोर्टेड में जाना चाहते हैं तो लोमानी है, जैसे लवेटो है, लवेटो का नाम है मार्केट, उसी तरीके से थोड़ा सा लवेटो से थोड़ा कम बजट में बढ़िया किट है लोमानी के नाम, वो फुली इम्पोर्टेड है। जैसे लवेटो इम्पोर्टेड है, वैसे लोमानी की किट रेडुसो जो है इम्पोर्टेड है, उसमें आपको माइलेज और पिकअप बेहतरीन मिलेगा, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोमानी रिकमेंड करते हैं। लोमानी लवेटो क्या महंगी किट पड़ेगी? लवेटो थोड़ी प्राइस से पॉपुलर है, ऑलरेडी बहुत पुराना ब्रांड है ये, जिसकी वजह से ये थोड़ी कॉस्टली है ये, बाकी चीज एक ही, चीज एक ही है। हर कंपनी थोड़ा सा अपना ब्रांड में कुछ ना कुछ चेंजिंग करती है, इस वजह से नहीं तो पार्ट जो देखेंगे आप सबका एक ही मिलेगा। मन जी एक सवाल और पूछता हूँ, जैसे एक हमारे कोई व्यूअर है संदीप बांद्रे, उन्होंने लिखा है भाई मेरे पास बलिनो BS6 2021 मेक है, सीएनजी आफ्टर मार्केट डालना चाहता हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ या फिर गलत? आपके पोस्ट के हिसाब से ये इलीगल है, अब मैं क्या करूँ, डालूँ या नहीं डालूँ, या फिर कौन से मेक का सीएनजी डालूँ, प्लीज सजेस्ट। 2021 मॉडल है, BS6 गाड़ी है, तो अप्रूवल आ चुका है इसमें। हाँ एक्चुअली इन्होंने एक साल पहले सवाल किया, ये सवाल को समय हो गया काफी, तो अप्रूवल आ चुका है इसमें, और आप चाहें तो किट अभी 3 ब्रांड है जिसमें अप्रूवल आई है, और ऑलरेडी 2 कंपनी जो है अपना अप्रूवल लाने की लाइन में लगे हुए हैं। अभी फिलहाल आपका लवेटो, मीजो और मोटोजन तीनों का अप्रूवल आ चुका है। तो होप करता हूँ आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों एक सवाल और लेते हैं, ये महेंद्र जी का है, इन्होंने इनकी गाड़ी में, मैं आपको वैसे ही मोटा मोटा बता देता हूँ क्या है कि बारिश के समय में जो गाड़ी चली ना इनकी, तो उसके बाद मिसिंग करने लग गई। बरसात होने के बाद इनकी गाड़ी में बार बार मिसिंग कर रही है और बंद होने की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वायरिंग की इशू है, वायरिंग और कुछ जो बरसात का पानी है वायरिंग के मॉइस्चर जाने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो ये अपना वायरिंग जो है प्रॉपर चेक करवाए मैकेनिक से, जो सीएनजी मैकेनिक है, तो ये सही होगा। तो होप करता हूँ कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिला होगा, है ना। तो बहुत बढ़िया लगा अमन, आपने यार हमारे को टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपकी सेवा बैठे हुए, तो मैं व्यूवर्स अमन जी की शॉप का लिंक मैं आपको डाल दूंगा, इन केस अगर आपको कोई भी सवाल जवाब रहता है आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, मैं रिवर्ट करूंगा, मैं उनकी शॉप का एड्रेस और नीचे फ़ोन नंबर वगैरह शेयर कर दूंगा। तो इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आप डायरेक्टली मिलना चाहते हो मिल सकते हो। इनकी शॉप जो है ये इंदिरापुरम में लोकेटेड है, इंदिरापुरम के बहुत समीप लोकेटेड है, बहुत फेमस शॉप है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते रहेंगे।